विकास सर, नेल कास्ट पे क्या रहा है, चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? देखिए नेल कास्ट तो मैं कब से 100 रुपए के लेवल से बाई देते चला आ रहा हूँ, बट अब मैं प्रॉफिट बुकिंग दे दिया हूँ मैंने आज इसमें। मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स लोग थे जो भी थे, मैंने उन लोगों का आज 120 नहीं 30 पे प्रॉफिट बुकिंग दे दिया है। तो अभी नेल कास्ट फ्रेश बाई मत करिए। आज इसमें आवर्ली चार्ट में एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है, एंड शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है, एंड डेली चार्ट में भी एक बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडल बन रहा है। अगर ये बंद हो जाता है नीचे तो थोड़ा मतलब खराब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, नेलकास्ट खराब नहीं। मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग इसलिए किया कि वी आर एट 35 to 40% प्रॉफिट, ठीक है, तो हम लोगों ने इसलिए आज प्रॉफिट बुक किया है। तो नेलकास्ट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी आप बने रहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नेलकास्ट में रहेगा करीब 117 के नीचे का, 117 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। बट ये अभी रिट्रेस कर सकता है, ये कंसोलिडेट कर सकता है, ये 126 से रिट्रेस करके हो सकता है 118-119 तक आ सकता है, या हो सकता है 170 के नीचे एक बार स्पाइक दे दे, 113 तक का भी स्पाइक दे दे और दे के वापस घूम जाए। तो हम लोगों ने इसलिए प्रॉफिट बुक किया। तो मेरे को डेली चार्ट में ये लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो हम लोग इसमें री एंटर करेंगे 113 से 115 के बीच में, और स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 105 का जब हम लोग री एंटर करेंगे। बट अगर आप अगर अभी प्रॉफिट में, तो या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बन रहा है 170 का, जो कि मेरे को लग रहा है कट जाएगा। मतलब मेरे को 30% चांस ही है कि वो स्टॉप लॉस बचेगा, 70% चांस है कि वो कट जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस नीचे मिलता है ना 113-115 पे, वहां पे लीजिए 105 के स्टॉप लॉस पे। जी, तो ये है मेरे कास्ट पे भी।